बेशक बेहतर रिस्क अल्लाह ताला देता है और तकसीम भी बेहतर करता है। सस्ते आटे की तकसीम में लोग अपने चेहरे पर थप्पड़ खा रहे हैं और जमीन और कौन हो रहे हैं। मेरे मुल्क में रिस्क की कमी नहीं है, बस तकसीम गलत हो रही है। अल्लाह ताला बेहतरीन वाला और बेहतरीन तकसीम करने वाला है। पूरे लोग दलील हो रहे हैं। आटा हर दुकान पर सस्ता करो ताकि किसी गरीब के लिए मुश्किल ना आए। रमजान का महीना है, खुदा का खौफ खाओ। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर रिज़क देने वाला है, बेहतर तकसीम करने वाला है। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया तो याद होगा कि आपने एक चींटी से सवाल किया कि तेरे साल भर की कितनी खुराक है, तो चींटी ने जवाब दिया चावल का एक दाना। तो आपने दो दाने रखे और एक साल के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी चींटी के पास पहुँचे तो देखा कि एक दाना वहीं पड़ा हुआ है और एक दाना चींटी ने खा लिया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से सवाल किया कि तूने एक दाना क्यों छोड़ा है, तो चींटी ने जवाब दिया कि पहले मुझे रिज़्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देती थी और इस मर्तबा एक इंसान रिज़्क दे रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब रिज़्क देता है तो फिर दोबारा देता है। इस दफ़ा एक इंसान ने रिज़्क दिया था, क्या पता आप अगले साल आए या ना आए, इसीलिए मैंने एक दाना अपनी खुराक के लिए छोड़ दिया। रिज़्क की तकसीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई बेहतरीन तरीके से तकसीम नहीं कर सकता। खुदा के लिए लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे। बहुत शुक्रिया।